आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि 14 कल जो है 14 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी ने CBT2 का रिजल्ट दिया है, जिसमें क्या आप देख सकते हैं आरआरबी ने आपने कितने गलत तरीके से रिजल्ट दिया है। ये जो रिजल्ट दिया है बहुत गलत तरीके से रिजल्ट दिया है। एक कैंडिडेट का, यहाँ पे आपने देखा कि एक कैंडिडेट का पांच पांच लेवल में रिजल्ट है, और एक कैंडिडेट का किसी का पांच लेवल में, किसी का तीन लेवल में, किसी का दो लेवल में रिजल्ट है। किसी का पांच लेवल में है, किसी का दो लेवल में है, किसी का तीन लेवल में है, किसी का तीन लेवल में रिजल्ट है, किसी का चार लेवल में रिजल्ट है, किसी का एक लेवल में रिजल्ट है। आप आरआरबी जिस तरह से कर रही है ये सरासर गलत है। एक बच्चे ये कहने का ये 20 गुना रिजल्ट ले लिया, लेकिन रिजल्ट ये 20 गुना नहीं, मात्र 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे का मात्र रिजल्ट लिया है। 7 लाख बच्चे को लेना था, ये इसने रिजल्ट मात्र 2 लाख बच्चे का लिया। आपको आपको हम बता रहे हैं, कल इस पे ट्विटर पे सारे टीचर को, आप जा करके सारे टीचर को एक गोलबंद होना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट को एक गोलबंद होना पड़ेगा। मात्र 20% रिजल्ट दिया, 80% रिजल्ट को बाहर कर दिया है, एवरेज स्टूडेंट को बाहर कर दिया है। हाई मेरे, अरे आपको नहीं लेना था रिजल्ट में, तब पहले बता देते इस तरह हम लेंगे। भाई एक बच्चे को हम पांच जगह रिजल्ट लेंगे, लड़का माइंड सेटअप रहता, 2 गुना रिजल्ट देता है। हाँ, पूरा लाइफ को ख़राब कर दिया हर स्टूडेंट का। इसलिए गाइस, सारे टीचर सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप सभी एक साथ आइए। फिजिकल प्रोटेस्ट, पहले ट्विटर कैंपेन चलाइए, ट्विटर कैंपेन से नहीं चलेगा तब फिजिकल प्रोटेस्ट पे आया जाएगा, और तब जाके फिजिकल प्रोटेस्ट पे आया जाएगा। और 14 फरवरी को जो पेपर है मेंस का, ठीक है, 14 फरवरी को जो पेपर है मेंस का, अगर आप एकजुट नहीं होइएगा, ये रिजल्ट, ये रेलवे नहीं सुधरेगा। इसी तरह क्या हुआ था एएलपी में भी देख रहे थे, एएलपी का जो पेपर हुआ था उसमें भी फर्स्ट लिस्ट दिया, सेकंड, फिर कैंसिल करके फिर सेकंड लिस्ट दिया। मेरा एक फ्रेंड था, उसका देख रहे थे, फर्स्ट लिस्ट दिया, फिर उसके बाद कैंसिल किया, फिर सेकंड लिस्ट अलग से दिया कैंसिल करके। उस बंदे का नहीं हुआ सेकंड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में रिजल्ट था, सेकंड लिस्ट जब आया अलग लिस्ट कैंसिल करके फिर सेकंड लिस्ट दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए गाइज घबराना नहीं है, इस रेलवे ने सरासर गलत तरीके से रिजल्ट दिया है। इस तरह रिजल्ट नहीं होता है किसी भी बंदे का, कोई भी बंदे। आपको हम दिखा रहे हैं बैंगलोर बोर्ड का, बैंगलोर बोर्ड का आप रिजल्ट देख सकते हैं। बैंगलोर बोर्ड में आपका कितना गया है, बैंगलोर बोर्ड का आपका रिजल्ट 96, किसी, नहीं, 96 जो है, 96 किसी भी तरीके से 96, कौन तरीके से कटअप देता है 96? हाँ, कौन बोर्ड में 96 भाई पीटी का कट ऑफ होता है बताइए, कौन एग्ज़ाम में? हाँ, बैंक के एग्ज़ाम में 96 कट ऑफ होता है। पीटी एक स्क्रीनिंग था, मतलब उसमें बच्चे को छांटना था, ठीक है। ये डायरेक्ट 20 2 गुना रिजल्ट, 7 लाख रिजल्ट देता पीटी में, मेंस में जाकर स्क्रीनिंग करता, छांटता, हाँ, अति करता, मतलब लेवल बाई रिजल्ट देता, हर लेवल का अलग अलग रिजल्ट देता, जिसको जो अलॉट हुआ वो अपना आगे आगे का प्रोसेस करता। या पीटी में ही 60 65 70 वाले को बाहर कर रहा है यार। हाँ, एक बच्चा नहीं, ठीक है आप कट ऑफ आई गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बच्चे का, सिर्फ एक बंदे का, मतलब एक ही पोस्ट के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा कि एक बंदे को पाँच नहीं, जो बंदे 96 लाए 94 लाए उसके लिए बहुत बहुत, बहुत मतलब वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मानते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो आप उस बच्चे का पांच जगह रिजल्ट दीजिए एक तो चार से रिजल्ट तो उस बच्चे को एक नौकरी मिलेगा ही, ये तो जान कन्फर्म है, लेकिन चार रिजल्ट तो वो बर्बाद कर रहा है, चार रिजल्ट तो रेलवे बर्बाद कर रहा है। इसलिए रेलवे को इस पे ध्यान देना होगा। और कल जा करके सारे टीचर, जितने भी नवीन सर हुए, एमडी क्लास वाले सर हुए, और उत्कर्ष क्लास वाले सर हुए, एग्जामपुर वाले सर हुए, विवेक सर, और बहुत सारे सर हैं, ठीक है, और ये सब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, खान सर भी बोले हैं, आज खान सर भी ने भी बोला है, ये खान सर भी ने भी यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, ये गलत है, इस तरह से रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए सारे टीचर घबराइए नहीं, रिजल्ट फिर से आएगा, रिजल्ट देना पड़ेगा, नहीं देगा फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, ठीक है। पूरे भारत में अभी बिहार, अभी जितना भी है, पांच जगह चुनाव है, इलेक्शन है,
इलेक्शन अभी उस राज्य में, जो जो राज्य में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है और भी पंजाब में इलेक्शन है, ठीक है, ये सब जगह इलेक्शन है, अभी सब जगह प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अभी सबके सब सुनेगा कि मोदी जी कभी उसको कुछ कर देते हैं, कभी उसको कुछ कर देते हैं। यार रेलवे इस तरह पहले के पहले वाले जैसे अति होता था, नियुक्ति होता था, उस तरह आपको उस तरह करने में क्या दिक्कत था रेलवे को भाई, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक जगह जीत गए, एक जगह बनारस से खड़े हो गए, एक जगह गुजरात से खड़े हो, बनारस से जीत गए तो बनारस गुजरात का सीट बर्बाद हो गया ना। हाँ उस तरह चलता है। हाँ ये गलत है, मैं भी इसका विरोध करता हूँ। और गाइज आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरा मेरे चैनल पे आपको हमेशा वीडियो आएगा एनटीपीसी के रिगार्डिंग, इसलिए गाइज घबराना नहीं है, ये आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये CBT 1 रिजल्ट, ये देखिए दिखा रहे हैं आपको रिजल्ट, ये देखिए रिजल्ट में, ये देखिए कितना कट ऑफ गया है, मतलब बताइए, ये देखिए ये देखिए 96 जा रहा है, 86 जा रहा है, ओबीसी का 93 जा रहा है, ओबीसी यार SC ST का भी तो कट ऑफ देख रहे हैं, 72-77 जा रहा है, यहाँ पे देखिए UR का 90 जा रहा है। यार PT का एग्ज़ाम ले रहे हैं कि आप मेंस का पेपर ले रहे हैं, आपको नहीं लेना था तो आप बोल देते हम नहीं लेंगे भाई, हम मेंस का एक ही पेपर लेंगे। हाँ ये मजाक बना के छोड़ दिए किसी का, कोई लड़का 2019 से तैयारी करे, 19 की वैकेंसी है, PT के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, फिर रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। हाँ हाँ कभी फोटो गलत कर देता है, कभी ये गलत कर देता है, कभी वो गलत कर देता है, अब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में सुधार कर गलत कर दिया है, एक बच्चे का 5-5 लेवल में एक एक, अब रेलवे को ये जवाब देना होगा, आप एक बच्चे का ठीक है 5 जगह आप रिजल्ट दे रहे हैं, 5 लेवल में रिजल्ट दे रहे हैं, आप नौकरी कितने जगह दीजिएगा, आप नौकरी तो एक ही दीजिएगा, बाकी 4 रिजल्ट तो आप खरब खरबर कर रहे हैं, एक बच्चे का 3 जगह रिजल्ट है तो 3 नौकरी तो उसको एक जगह होगा, लेकिन 3 जगह 2 जगह तो रिजल्ट खराब हो रहा है, 2 सीट तो खराब हो रहा है, रेलवे को इसका जवाब देना होगा, इसलिए गाइस घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट में सुधार होगा, और जिन बच्चे का रिजल्ट हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं, आपका रिजल्ट पे दोबारा रिजल्ट आएगा, आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट तो भी होगा, ठीक है, बस रेलवे को आप लोग प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इसमें साथ दीजिए, ठीक है, ये आप ही समझ रहे हैं ये गलत है, ये गलत तरीके से रिजल्ट दिया है, आप खुद सोचिए, आपको कोई एक जगह नौकरी कीजिएगा, बाकी 4 रिजल्ट तो आपके कारण खराब हो रहा है, रेलवे खराब कर रहा है। हाँ आप वहाँ पे 4 स्टूडेंट का मान लीजिए 5 लेवल कोई आप ही फलना स्टूडेंट है, ठीक है, 5 5 लेवल में रिजल्ट है, नौकरी तो आप 1 लेवल में कीजिए, बाकी 4 जो लेवल है वो तो खाली जा रहा है। हाँ रेलवे को एकदम मतलब रेलवे में कौन बैठा हुआ हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे रिजल्ट दे रहे हो यार भाई, इसलिए गाइज टेंशन नहीं लेना, सारे टीचर को सारे बच्चे को एक गोलबंद में होना, एकजुट होना है, प्रोटेस्ट करना है, ट्विटर कैंपेन चलाना है, सारे टीचर कल बताते हैं, कल ट्विटर पे कैंपेन कितने बजे चलेगा, और खान सर भी बोले हैं जो ये गलत है, सारे टीचर बोले हैं ये गलत तरीके से हो रहा है, ये गलत हो रहा है, स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं ये गलत हो रहा है, इतना कट ऑफ किसी भी हाल में किसी भी PT का कट ऑफ इतना नहीं जाता है, PT का कट ऑफ इतना नहीं जाता है भाई, इतना नहीं नहीं जाता है, ये बता रहे हैं ये जो कट ऑफ है ये 96.848 ये PT का कट ऑफ है, कोई बंदा इतना लाया है, ठीक है, कोई इतना लाया है तो ये तो जी जो बंदा लाया है ये तो 5 लेवल के लिए क्वालिफाई होगा, 4 लेवल के लिए क्वालिफाई होगा। हाँ अब इसका जिसका प्रेफरेंस होगा, मान लीजिए स्टेशन मास्टर ये बन गया तो 4 नीचे जो 3 पोस्ट है तो खाली मतलब खा गया वो, खा ये क्या खा गया, रेलवे खा गया वैकेंसी, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, सारा गलती बोर्ड की है, बोर्ड ने रिजल्ट को खराब कर दिया, रिजल्ट सबका होता, 60+ जो है, 65+ है, जिसका भी 60+ था सबका रिजल्ट होता, ठीक है,
सबका रिजल्ट, अगर वो 20 गुना लेता, 20 टाइम्स लेता, ठीक है, 20 टाइम्स लेता तो रिजल्ट सबका होता, सबका होता रिजल्ट। लेकिन इन्होंने इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने रिजल्ट को खराब किया है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं, ये घबराना नहीं है, देख सकते हैं। और भी बहुत सब सब बोर्ड का यही हाल है, सब बोर्ड का यही हाल है, क्या बता सकते हैं। अभी पता नहीं मालदा का क्या है, हम मालदा का हमने देखा नहीं है। मालदा का अभी हमको लगता है मालदा का भी यही होगा, देखते हैं। मालदा में आप देख सकते हैं, कहाँ पे है, और रिजल्ट ये देखिए, आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए किस तरह रिजल्ट दिया है, किस तरह रिजल्ट दिया है, देखिए। ये मालदा का बता रहे हैं, मालदा का ये देखिए, 85, 91, 87, 79, हाँ ये देखिए, गुड्स गार्ड का गया है, गुड्स गार्ड का 79, जनरल का कट ऑफ, कमर्शियल कम टिकट कलर का 87, और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का 85, और स्टेशन मास्टर का है, स्टेशन मास्टर का 84। भाई 84 जो है, आप पीटी का कट ऑफ 80, मालदा जैसे बोर्ड में 84 ले रहे हैं, मालदा जैसे बोर्ड में कभी 84 नहीं जाने वाला कट ऑफ, 84 ले रहे हैं। इसलिए गाइस ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका इस तरह करके आपको छांटा गया है, आपको छांटा गया है, और इसलिए आप घबराइए नहीं, रिजल्ट सुधार होगा एकदम। गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आप रिजल्ट से संतुष्ट हैं, क्या रिजल्ट में सुधार होना चाहिए, क्या फिजिकल प्रोटेस्ट करना चाहिए, अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।